हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। और लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करने में हमने वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन की सिर्फ एक टाइप डिस्कस की थी। तो आज इस लेक्चर में दो टाइप और है पार्शियल फ्रैक्शन पे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 3 तक हम क्वेश्चन पहले कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें जो इंटीग्रेट करना है, ऊपर है 3x-2 और नीचे x+1 होल स्क्वायर x+3 dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। यहां जो सेकेंड टाइप है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है x+1, एक फैक्टर है x+3, ये दोनों ही फैक्टर लीनियर है। मतलब ब्रैकेट के अंदर देखो, यहां ब्रैकेट में लीनियर है, यहां ब्रैकेट में भी लीनियर है, लेकिन एक लीनियर पे होल पावर मोर देन वन है, एक से ज्यादा पावर है। अभी तक जो आपने एक टाइप पढ़ी है उसमें क्या था, ये एक लीनियर फैक्टर, ये भी एक लीनियर फैक्टर, और दोनों पे पावर होल पावर वन वन ही थी। लेकिन अगर लीनियर फैक्टर पे होल पावर मोर देन वन आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए, अगर ये फैक्टर रिपीटेड हो, अब अगर आप इसको सही मायने में देखें तो x+1 के होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x+1 × x+1, यही हो गया ना इसका मीनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x+1 × x+1, तो ये सेम है फैक्टर्स, तो x+1 × x+1, और ये क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब ये दो बार है। तो यहां जो फोर्थ क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड टाइप, वो यही है कि जो होल पावर है वो मोर देन वन होगी, एक से ज्यादा होगी। तो हम इसे कैसे कंसीडर करेंगे, लेट 3x-2 / x+1 होल स्क्वायर x+3, हम इस कंप्लीट को कंसीडर करेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर। अब यहां पर x+1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब x+1 × x+1, ये दो बार है। पहले आएगा x+1 + b अपॉन, अब अगर आप पीछे वाले मेथड से देखें तो b के नीचे भी x+1 ही आना चाहिए, इसको हम x+1 × x+1 लिखेंगे, a/x+1 + b/, फिर से x+1, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर a के नीचे x+1 आ गया तो b के नीचे अगर यही x+1 लिख दिया तो फिर a और b में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, तो प्रॉपर फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि जब भी कभी इस लीनियर पे होल पावर आ जाए तो आप इसको एक एक पावर इंक्रीज करते हुए लिखेंगे। कैसे आएगा, a/, पहले कितना आएगा x+1 + b/, अब आएगा x+1 का होल स्क्वायर, राइट, ये लिखने का तरीका होगा। अगर इस पे होल क्यूब होता, अगर इस कंप्लीट पे पावर 3 होती तो a/x+1 आता, b/x+1 का स्क्वायर आएगा, प्लस c/x+1 का होल क्यूब आता। जितने पावर यहां है उसको a/1 पावर, b/2 पावर, c/3 पावर, जितने यहां पर पावर है उसको एक एक पावर इंक्रीज करते हुए लिखते चलना है, राइट। अब यहां स्क्वायर था तो पावर 1 हो गई और पावर 2, बस यहीं पे खत्म। अब प्लस करके c/, जो रह गया कितना x+3, c/x+3, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले यहां पर, और ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद यहां रख करके इन सबको हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। सो इस कंप्लीट को इस
पूरे से मल्टीप्लाई, या ये कहें कि इनका एलसीएम ले लें, तो जो एलसीएम आएगा वो यही होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a, इस a के साथ जब ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये 1x प्लस 1 कट जाएगा, a के साथ क्या आएगा x प्लस 1 x प्लस 3, बीच में प्लस b, ये x प्लस 1 का स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा x प्लस 3, प्लस c, ये x प्लस 3 कट जाएगा जब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a के साथ ये एक पावर कट जाएगी x प्लस 1 x प्लस 3, b के साथ ये कटेगा x प्लस 3, c के साथ ये कटेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू निकालने के लिए, इस a की वैल्यू को निकालने के लिए b और c को जीरो बनाना है, x की जगह क्या रखें कि ये b और c दोनों एक साथ जीरो हो जाएं, एक साथ दोनों जीरो होने चाहिए, कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं है जिससे ये दोनों एक साथ जीरो हो जाएं, ये माइनस 3 से जीरो होगा और ये माइनस 1 से जीरो होगा, तो ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, राइट। चलिए कोई बात नहीं, एक से एक, ए का काम अभी पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जिसका काम पूरा नहीं हो रहा है उसको रोकें, बी पे चलें। बी की वैल्यू निकालने के लिए, इस बी की वैल्यू को निकालने के लिए ए और सी को जीरो बनाना है, एक्स की जगह हम क्या रखें जिससे ये ए और सी दोनों एक साथ जीरो हो जाएं, तो हम देख पा रहे हैं कितना माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे तो ये कंप्लीट जीरो, एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे तो ये भी कंप्लीट जीरो। सो वी आर पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यहां आएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यहां माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस थ्री यह आएगा टू बी, और यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव अपॉन टू, ये यहां से हमें बी की वैल्यू ऑप्टेन हो गई, राइट। बी की वैल्यू ऑप्टेन होने के बाद अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें ए और बी को जीरो बनाना है, एक्स की जगह क्या रखें कि ए और बी दोनों एक साथ जीरो हो जाएं, माइनस थ्री, माइनस थ्री रखने पर ये जीरो और माइनस थ्री रखने पर ये भी जीरो। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, यहां होगा माइनस नाइन माइनस टू माइनस इलेवन, यहां ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, यहां माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर फोर, ये बन गया फोर सी, और यहां से सी की वैल्यू आएगी माइनस इलेवन बाई फोर। चलिए बी और सी की वैल्यू दोनों आ गई, ए की वैल्यू में अभी भी ए की वैल्यू में कुछ पंगा है, ए की वैल्यू अभी भी नहीं निकल पा रही, इन दोनों को जीरो एक साथ नहीं बनाया जा सकता। तो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चे आपसे डिस्कस किया था कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम दो मतलब इनको जीरो बना के ही वैल्यू निकालें, मैंने बताया था ये तो हम एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं जिससे फटाफट ये वैल्यू आ जाए, वरना तरीके तो बहुत हैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए। अब इस ए की वैल्यू को निकालने के लिए, इस ए की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। वो क्यों करेंगे, आप देखिए ए के साथ ये दोनों हैं, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई में कौन आएगा एक्स स्क्वायर, तो इस ए के साथ एक्स स्क्वायर की टर्म होगी ना। अगर मुझे वैल्यू ए की निकालनी है तो मैं उस वैल्यू को कंपेयर करूंगा जो इस ए के साथ है, ए के साथ कौन है एक्स स्क्वायर, तो हम इस कंप्लीट में एक्स स्क्वायर के ही कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सो वी आर राइटिंग कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू निकाल लिया उसमें ये होना चाहिए, राइट। अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए में एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को कंपेयर कर लें। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ भी नहीं है, जीरो, एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं। यहां जब मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई में ये एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कौन है, ए, यहां कोई भी नहीं है। यहां जब इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसके होल स्क्वायर खोलने में एक्स स्क्वायर पक्का आएगा और उस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कौन है, सी, तो क्या लिखेंगे इसको, प्लस सी, और यहां से ए की वैल्यू आएगी माइनस सी। सो ए इज इक्वल टू माइनस सी, मतलब इसका नेगेटिव, सी की वैल्यू यहां रखेंगे तो माइनस बाहर है, 11/4। ये हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब सबको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये ए बी सी की वैल्यू हमने कैसे निकाली। अब जैसे ही ए बी सी की वैल्यू आ जाए हम यहां रखेंगे 3x माइनस टू डिवाइडेड बाई x प्लस वन होल स्केयर x प्लस थ्री इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस वन। ए कितना है हमारे पास, 11/4। 11/4 डिवाइडेड बाय x प्लस वन प्लस b अपॉन दिस, b कितना है, माइनस फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस वन, c कितना है, -11/4 और दिस वन इज डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री, ये बन गया x प्लस थ्री, ठीक है। ए बी सी तीनों की वैल्यू हमने इसमें रखी है, ए की वैल्यू 11/4, बी की वैल्यू -5/2 और सी की वैल्यू -11/4 एक्स प्लस थ्री। अब ये जो वैल्यू है ये इसी की वैल्यू है ना, और इसी को ही इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कितना, 11/4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन -5/2 एक्स प्लस वन होल स्क्वायर -11/4 एक्स प्लस थ्री, और हमें इस कंप्लीट को ही इंटीग्रेट करना है, इस कंप्लीट का ही इंटीग्रेशन हमें करना है। अब बीच में अगर प्लस माइनस का साइन है तो सभी को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां से 11/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और dx के नीचे x प्लस वन, मतलब वन अपॉन लीनियर हो गया ना, इसका कितना आएगा, log mod x प्लस वन, ठीक है। यहां से -5/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, -5/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ये नीचे होल स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो ये पावर हो गई -2, ठीक है। 5/2 बाहर, ये ऊपर जाएगा तो पावर -2। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा x प्लस वन की पावर -2 + 1, कितना, -1 और नीचे भी -1 जो इसको प्लस बना देगा। यहां से -11/4 कॉन्स्टेंट बाहर और dx के नीचे x प्लस थ्री, ये बन गया log mod x प्लस थ्री और प्लस सी, राइट। बस एक काम और करना है छोटा सा, कि ये जो नेगेटिव में है ये नीचे ले आओ, इसको मैं 1/(x+1) कह सकता हूं। सो 5/2 और ये 1/(x+1), ये कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पावर, होल पावर एक से अगर ज्यादा है इस लीनियर पे, ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, अगर किसी एक लीनियर फैक्टर पे होल पावर मोर देन 1 है, एक से ज्यादा है, स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, पावर 5 है, तो आपको ऐसे लिखना है, a अपॉन इस पे 1 पावर, 2 पावर 3 है तो c अपॉन में आता, d अपॉन फिर ये x प्लस 3 आता। तो पहले आपको इसकी सारी पावर एक एक पावर बढ़ा करके पूरी करनी है, फिर जो ये रह गया वो d अपॉन या जो भी आएगा स्केलर उससे नेक्स्ट उसके अपॉन में वो लीनियर रहेगा।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, आप सारे पार्ट इजीली कर सकते हो इसका। अगर मैं सिक्स पार्ट देखूं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसमें आप सब इस पे प्रैक्टिस करके देखें। इसका सिक्स पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 डिवाइडेड बाई x³ - x² - x+1 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। 3x + 5 डिवाइडेड बाई x³ - x² - x+1। सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, नीचे सबसे पहले इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होगा। सो इंटीग्रेशन ऊपर हो गया 3x + 5 डिवाइडेड बाई, इन दोनों से x² कॉमन, तो ये आ गया x - 1। इन दोनों से -1 कॉमन, ये आ गया x - 1 इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन 3x + 5 और नीचे आ गया x - 1 x² - 1 इंटू डी एक्स, x - 1 और साथ में x² - 1 इंटू डी एक्स। अब जो ये x² - 1 है, जो ये x² - 1 है, हम इसे x - 1 और x+1 लिख सकते हैं। x² - 1 को हम x - 1 x+1 लिख सकते हैं। यहां अब आप देख रहे हैं 3x + 5 डिवाइडेड बाई, दिख रहा होगा ना यहां पे, यस। और ये इन दोनों को हम लिखेंगे x - 1 होल स्केयर x+1 इंटू डी एक्स। और यहां अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, a अपॉन x - 1 बिल्कुल इसी की तरह, b अपॉन x - 1 का होल स्केयर प्लस c अपॉन x+1 और बिल्कुल अब इसी की तरह आप a b c की वैल्यू निकालें और सबको ऐसे अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप है, जब नीचे फैक्टर लीनियर सी है लेकिन होल पावर है, मोर देन वन पावर है, तो एक एक पावर इंक्रीज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5th में आता है, क्वेश्चन नंबर 5th में थर्ड टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की, एक लीनियर होगा एक क्वाड्रेटिक होगा, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th में आता है। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट हमने लिया बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ x upon x + 1 x² + 1। यहां जो आप इंटीग्रेशन में फंक्शन देख रहे हैं, वहां नीचे फैक्टर्स तो बन रहे हैं, फैक्टर्स तो बन रहे हैं, लेकिन नीचे इस बार एक फैक्टर ब्रैकेट के अंदर, आप देखिए ब्रैकेट के अंदर एक फैक्टर लीनियर है और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है। अब ये तो है नहीं कि इसको होल स्केयर लिख सकते हैं, आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि x² + 1 को x+1 का होल स्केयर लिख दें, क्योंकि ये 1 का स्केयर, ऐसा नहीं हो सकता बच्चे, समझ रहे हो ना आप, जब इसका होल स्केयर खोलेंगे तो कितना आएगा, x² + 1 + 2x आएगा ना, और यहां तो सिर्फ x² + 1 ही है, राइट। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, एक फैक्टर तो लीनियर है और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है। जब एक फैक्टर लीनियर हो और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक हो तो हम इसे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होगा a अपॉन जो लीनियर फैक्टर है वो कितना, x+1, a अपॉन जो लीनियर फैक्टर है कौन, x+1 प्लस b अपॉन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर कितना है, x² + 1। a अपॉन जो लीनियर फैक्टर है x+1, b अपॉन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है x² + 1। लेकिन जिसके नीचे क्वाड्रेटिक आया है उसको सिर्फ सिंपली b अपॉन x² + 1 नहीं लिखना, बल्कि इसको x से मल्टीप्लाई प्लस नेक्स्ट कॉन्स्टेंट, ये लिखने का तरीका होगा। जिस भी किसी के नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा उसको आप x से मल्टीप्लाई प्लस नेक्स्ट कॉन्स्टेंट, अगर ये c के नीचे आता, जैसे एक और क्वेश्चन पे हम आगे डिस्कस करेंगे, मान लीजिए c के नीचे होता तो लिखते cx + d अपॉन x² + 1।
तो जब भी कभी लीनियर क्वाड्रेटिक हो तो ऐसे लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसको सोल्व करने का तरीका वही पुराने वाला, x इज इक्वल टू ए के साथ ये x प्लस वन कैंसिल, ए के साथ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन हटेगा, इसके साथ कितना बचेगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। यहां जब हम इसको सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू ए के साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी, बी कॉन्स्टेंट बाहर, x को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, सी के साथ आएगा x प्लस वन, राइट। ए के साथ ये x प्लस वन कैंसिल, ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी, बी बाहर, x के साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, सी के साथ ये x प्लस वन, ये बी एक्स के साथ भी, ये सी के साथ भी। अब हमें यहां से ए बी सी इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी सी तीनों की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। इस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें बी और सी दोनों को जीरो बनाना है। एक्स की जगह क्या रखें कि बी और सी दोनों एक साथ जीरो हो जाएं? एक्स की जगह क्या रखें कि बी और सी दोनों जीरो हो जाएं? तो अब देखिए कितना, माइनस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, यहां माइनस वन का स्क्वायर वन और ये माइनस वन, ये भी जीरो। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यहां आएगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, टू ए, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। यहां से ए की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, राइट। ए की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू। ए की वैल्यू निकालने के बाद अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू निकालने के लिए ए और सी दोनों को जीरो बनाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा ए और सी दोनों एक साथ जीरो हो जाएं। सी तो माइनस वन से जीरो होगा लेकिन ए माइनस वन से जीरो नहीं होगा, और मैं तो कह रहा हूं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये तो एक्स की किसी भी वैल्यू से जीरो नहीं आएगा। एक्स की जगह अगर आयोटा रखें तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस वन तो ही ये जीरो बन सकता है, अदरवाइज किसी के ऊपर स्क्वायर आ गया तो वो कभी नेगेटिव होगा नहीं, और एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज में अगर आप वन प्लस करेंगे तो ये कभी जीरो आएगा ही नहीं, तो ये कभी जीरो नहीं आएगा। चलिए वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की। तो हमने क्या बताया था, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें जो भी टर्म है आप उसके कोफिशियंट को कंपेयर कर दें। यहां बी के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर, तो हम इस कंप्लीट में एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को कंपेयर करेंगे, राइट। कंपेयरिंग दी कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ भी नहीं है, जीरो है। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बी है, यहां से बी की वैल्यू आएगी माइनस ए, यहां ए हो गया, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बी हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी हुई, माइनस ए। बी इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब इसका नेगेटिव वन बाई टू, ए आ गया माइनस वन बाई टू, बी आ गया वन बाई टू। अब वैल्यू निकालनी है सी की। सी की वैल्यू निकालने के लिए ए और बी दोनों को एक साथ जीरो बनाना है। अब फिर यही प्रॉब्लम है, ये ए तो जीरो बन ही नहीं सकता, ए की वैल्यू तो, ये ए तो के साथ जो फैक्टर ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, लेकिन हमें वैल्यू सी की जरूर निकालनी है। तो आप ये देखें कि सी में जो टर्म है वो किसकी टर्म है, एक्स की टर्म है, तो हम इस कंप्लीट में एक्स की टर्म को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग दी कोफिशियंट्स ऑफ एक्स, यहां एक्स का कोफिशियंट वन, यहां कुछ भी नहीं है, यहां हो गया बी और प्लस सी, यहां से सी की वैल्यू आएगी वन माइनस बी, वन माइनस बी कितना वन बाई टू, सी की वैल्यू आ गई वन बाई टू। ये ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, इन तीनों की वैल्यू को हम यहां रखेंगे। सो एक्स अपॉन
एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन ए कितना माइनस वन बाई टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स बी कितना वन बाई टू एक्स प्लस सी सी कितना वन बाई टू डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है इसकी जगह ये आ गया अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यही मिलेगा अब जो हमें इंटीग्रेशन करना है इसका करना है और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं राइट तो देखिए माइनस वन बाई टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इस पूरे को इंटीग्रेट करना है सबको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कैसे यहां से माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर डीएक्स के नीचे एक्स प्लस वन आ गया यहां से पहले इसमें एक बार तो इसके नीचे वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर और डीएक्स के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन सो इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन ये आ गया लॉग मोड एक्स प्लस वन यहां इस नीचे वाले को पुट करेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी डेरिवेटिव आएगा टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एक्स इंटू डी एक्स बनेगा डी टी बाई टू वन बाई टू ये बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस सी सो इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टू लोग मोड एक्स प्लस वन ये जो एक्स इंटू डी एक्स है ये बन गया डी टी बाई टू डी टी बाई टू से वन बाई टू बाहर वन बाई टू पहले ही बाहर है तो वन बाई फोर ये डी टी बाई टी लोग टी लोग टी और टी कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी ये इसका इंटीग्रेशन हो गया मतलब कहने का यह कि इंटीग्रेशन तो आसान है यहां पे इंटीग्रेशन तो वही मिलेंगे जो पहले आप कर चुके हैं इंटीग्रेशन में यहां कोई भी टिपिकल इंटीग्रेशन नहीं आएगा एक सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये कौन सी टाइप का और कैसे होगा तीन टाइप का हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तीन फॉर्म हमने डिस्कस की है एक तो जब ये फैक्टर सभी लीनियर हो और डिस्टिंक्ट हो अलग अलग हो राइट तो एक बताया लीनियर हो रिपीटेड का मतलब उस पर होल पावर हो दूसरा बताया लीनियर हो और क्वाड्रेटिक हो तो कैसे पैटर्न है इसको सोल्व करने के बाद ये एबीसी निकालने के बाद इंटीग्रेशन आपका सिंपल सा रहेगा जो हम पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं कुछ और क्वेश्चन देखते अगर मैं बात करूं इसके फिफ्थ पार्ट पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स अगर हम इसको सोल्व करें एक्स अपॉन इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन या आ गया एक्स प्लस वन प्लस इन दोनों से वन कॉमन या आ गया एक्स प्लस वन यहां से इंटीग्रेशन एक्स अपॉन ये आ गया एक्स प्लस वन और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स आई थिंक यही क्वेश्चन बन गया जो भी कराया हमने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बन गया तो इसके बाद अब ये हम ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे ठीक है कुछ और पार्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में तब तक आप ये क्वेश्चंस करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का एक पार्ट देखिए आप ऊपर एक्स की पावर फोर है नीचे एक्स की पावर फोर माइनस वन इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो बच्चों यहां डिवाइड करना होगा बार बार हमने डिस्कस किया है कि जब भी कभी ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे पावर कम हो या इक्वल भी हो तो सबसे पहले आप उसको डिवाइड करें तो यहां सबसे पहले हमें एक्स की पावर फोर को डिवाइड करना होगा एक्स की पावर फोर माइनस वन से तो पहले वन वन पे जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस वन यहां माइनस यहां प्लस कैंसिल आउट वन अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा इसका लिखने का तरीका होगा क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर रिमाइंडर के नीचे डिवाइजर
क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के नीचे डिवाइजर। अब इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले वन वन का इंटीग्रेशन हो गया x, राइट, प्लस अब वन अपॉन x की पावर फोर माइनस वन को हम एक्स स्क्वेयर माइनस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस वन लिख सकते हैं। इसको एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस वन को वन को वन का स्क्वेयर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, देन इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन, वन को वन का स्क्वेयर कह सकते हैं, यहां आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और साथ में एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू डीएक्स। ठीक है, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कंसीडर करेंगे, वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन को हम लिखेंगे ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर कितना है एक्स माइनस वन, प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर कितना एक्स प्लस वन, प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर कितना एक्स स्क्वेयर प्लस वन। लेकिन जिसके नीचे क्वाड्रेटिक आ गया उसको x से मल्टीप्लाई प्लस नेक्स्ट कॉन्स्टेंट नेक्स्ट स्केलर आई मीन सी एक्स प्लस डी के नीचे ये आएगा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ए बी सी डी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे वन इज इक्वल टू ए के साथ आएगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, बी के साथ आएगा ये एक्स प्लस वन कैंसिल एक्स माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और सी एक्स प्लस डी के साथ आएगा ये कैंसिल ये दोनों एक्स स्क्वेयर माइनस वन ही हम लिखते हैं इसको। वन इज इक्वल टू ए के साथ एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन और बी के साथ एक्स माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, प्लस सी के साथ ये एक्स इससे मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस एक्स, प्लस डी के साथ एक्स स्क्वेयर माइनस वन। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिए ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकालने, पहले तो ए की वैल्यू निकालने के लिए बी सी डी तीनों को जीरो बनाइए, एक्स की जगह क्या रखें कि बी सी डी तीनों जीरो हो जाएं, वन, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, सो वन इज इक्वल टू ए के साथ वन प्लस वन टू और यहां वन प्लस वन टू, ए की वैल्यू आ गई वन बाई फोर, ये ए की वैल्यू आ गई, यहां 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 ये तीनों जीरो हो गए। बी की वैल्यू निकालने के लिए ए सी डी तीनों को जीरो बनाना है, प्रॉब्लम आ गई ये जो ए है ये जीरो नहीं होगा, माइनस वन के अलावा किसी पे भी ये जीरो नहीं हो सकता, ये माइनस वन से जीरो हो जाएगा लेकिन जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये बाकी किसी और से जीरो नहीं बनेगा। चलिए तो बी में आप देखिए बी में कौन है एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब है ना, तो आप इस पूरे में कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग डी कोफिशियंट्स ऑफ एक्स क्यूब, यहां एक्स क्यूब का कोफिशियंट कुछ भी नहीं जीरो है, यहां एक्स क्यूब का कोफिशियंट ए प्लस यहां एक्स क्यूब का कोफिशियंट बी यहां एक्स क्यूब का कोफिशियंट सी, और वैल्यू ए की आ गई थी तो यहां से b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, तो a कितना है 1 बाई फोर, तो माइनस 1 बाई फोर, इसको इक्वेशन फर्स्ट आप नाम दे दीजिए। अब चलते हैं c के लिए, c के लिए फिर से a तो जीरो होगा ही नहीं, तो c में कौन है x है, तो इस पूरे में x के कोफिशियंट को कंपेयर कर ले, राइट right? जब आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो पहले आप यहां मल्टीप्लाई कर ले, सॉरी चले एक तरीका और भी है, एक तो यह है कि आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, लेकिन x का कोफिशिएंट देखने के लिए आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर पता चलेगा कि x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर पता चलेगा कि x का कोफिशिएंट क्या रहेगा। एक दूसरा तरीका यह है कि अब d पे आ जाओ, d में कौन है एक्स स्क्वायर है, d में एक्स स्क्वायर है, तो आप इस पूरे में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
यहां एक्स स्क्वेयर का कोशेंट कुछ भी नहीं है, यहां जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू एक्स स्क्वेयर आएगा, एक्स स्क्वेयर का कोशेंट कौन होगा ए, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, तो कितना आएगा माइनस बी, यहां यहां हो गया प्लस का डी, आई एम सॉरी प्लस डी, तो यहां से माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब माइनस वन बाई फोर, ये सेकेंड इक्वेशन राइट। अब सी के लिए एक इक्वेशन और आएगी, जब एक्स के क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो एक इक्वेशन और आएगी। एक तरीका यह भी है कि आप एक बार पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह जीरो रख लें, क्योंकि जीरो से फायदा क्या होगा, ये ए बी सी डी चारों के टर्म में कुछ ना कुछ एक इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, कोई जीरो बने ना बने आप एक्स जीरो तो रख ही ले, इससे एक इक्वेशन और मिल जाएगी। तो यहां से वन जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन, कितना आ गया ए, यहां जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो प्लस वन वन, तो ये आ गया माइनस बी, ये जीरो हो गया, ये आ गया माइनस डी, सो माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू वन माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी वन बाई फोर, यहां सोल्व करके के एक इक्वेशन और हमें मिल गई राइट। तो अब आप यहां से सिंपली इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके बी सी डी निकाल सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करें आप, यहां से इन दोनों से बी और डी मिल जाएगा राइट, वहां यहां रखेंगे बी की वैल्यू तो सी मिलेगा, ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, ए बी सी डी चारों वैल्यू को हम यहां 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 रखेंगे और चारों को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो रख करके भी निकाल सकते हैं, या मैंने फिर बता रहा हूं मैं आपको, यहां आप एक्स के कोफिशियंट को भी कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते थे, एक्स का कोफिशियंट यहां पे हो जाता है एक्स इंटू वन एक्स आता तो ए ही रहता, यहां एक्स की मल्टीप्लाई करते तो एक्स इंटू वन एक्स तो बी रहता, यहां हो जाता माइनस सी, आई मीन यहां एक्स का कोफिशियंट कितना है जीरो, और यहां एक्स का कोफिशियंट हो गया ए, यहां एक्स का कोफिशियंट हो गया बी, और यहां एक्स का कोएफिशिएंट हो गया माइनस सी, यहां ए की वैल्यू रख करके बी माइनस सी कितना आएगा माइनस वन बाई फोर, तो इक्वेशन आपकी ये भी हो सकती थी, फिर आप इन दोनों को सोल्व करके बी और सी निकाल लेंगे, जो आएगा उसको यहां रख देते, तो आपकी मर्जी है, एक्स इक्वल टू जीरो रख करके तीसरी इक्वेशन निकाल लो, या एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके तीसरी इक्वेशन निकाल सकते हो राइट। और बात यह ध्यान रहे, ऊपर नीचे पावर अगर सेम है तो भी पहले डिवाइड होगा, डिवाइड के बाद ही कोई ना कोई प्रोसेस लगेगा, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4-5 में बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं, आप बस इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, फोर्थ और फिफ्थ के पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छे से करके देखें कि क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, थैंक यू वेरी मच।